आइए तो हम लोग रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव मोशन जो है इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। 1D जो है 1D उसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही है, तो 1D में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या समझना है, बहुत ध्यान समझो। ये ना शुरुआत जब हम लोग मोशन किए थे तो वहीं पर मैंने सिखा दिया था आपको, फिर से एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। ये एग्जाम्पल आपको याद होगा, मैंने आपको दिया था कि मान लो कोई बस है, ये बस मूव कर रहा है, ठीक है, किसी भी स्पीड से, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस बस के अंदर मान लीजिए दो इंसान है, पर्सन वन या नाम दे दो ए बी, और एक पर्सन जो है वो ग्राउंड पे ही, उसका बस मिस हो गया, पर्सन सी, ठीक है। अब हम मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन का मतलब क्या है, मेन मोशन का तीन ही पैरामीटर अभी तक आप लोग यूज किए हैं। क्या क्या यूज किए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट या इससे रिलेटेड चीजें, जैसे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट सब एक ही है, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन है तो यही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया, तो एक मेजर पैरामीटर आप डिस्प्लेसमेंट यूज किए। दूसरा मेजर पैरामीटर क्या यूज किए, वेलोसिटी, और तीसरा हम लोग यूज किए एक्सेलरेशन, और इस तीनों को यूज करके हम लोगों ने तीन फॉर्मूला बनाया, कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये फॉर्मूले में भी यही तीन पैरामीटर मेनली आ रहा है, टाइम तो ठीक है। अब मुझे बताओ वो जो पैरामीटर है उसी को तो मोशन बोलते हैं समहाउ, किसी बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है, उसकी मोशन आप स्टडी कर रहे हैं, उसकी कितनी वेलोसिटी है, उसकी मोशन स्टडी कर रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन है। तो इसमें से किसी का भी अगर आपसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कुछ भी पूछा जाए तो आंसर बदल जाएगा ऑब्जर्वर से, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लो ऑब्जर्व बाय सी ऑब्जर्वर है, फिजिक्स में कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा, वही तो मोशन के बारे में बताएगा। एक बार मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्व बाय बी, एक बार बी से पूछ रहे हैं, तो एक बार हमने सी को ऑब्जर्वर बनाया, एक बार हमने बी को ऑब्जर्वर बनाया, अब ए से पूछते हैं, ए के बारे में पूछते हैं। आप खुद सोचो, बी से अगर पूछा जाए ए का वेलोसिटी तो क्या बताएगा, जीरो। गाड़ी चल रही है पर उसके अंदर बैठा इंसान एक दूसरे को देखेगा तो वो रुका हुआ लगेगा उसे, बातें समझ पा रहे हैं। तो अगर बी जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ए का डिस्प्लेसमेंट जीरो बताया, वेलोसिटी जीरो बताया, अभी तो मैं आपसे वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी ऑफ ए जीरो बताया। अब किसी चीज का वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक्सेलरेशन हो सकता है, पर ऐसा सोचो एक्सेलरेशन होता है तो उसको कभी ना कभी मूविंग करता हुआ दिखता, उसकी वेलोसिटी बदलता हुआ दिखता, पर बी ए को जितना देर देख ले क्या उसकी वेलोसिटी बदलेगा, उसे रुका हुआ ही दिखेगा, यानी बोलेगा कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, यानी कि उसके लिए अगर आप इसे एक्सेलरेशन जाकर पूछो तो एक्सेलरेशन भी ए का क्या बताएगा, जीरो। यही तो कंप्लीट मोशन है, समहाउ मोशन का सारा पैरामीटर आप बता दिए, लेकिन ये सारा आंसर बदल जाएगा अगर आप सी से पूछोगे। सी से अगर पूछोगे भाई वेलोसिटी कितना है तो वो बता देगा 10 मीटर। अगर बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब मान लो वैल्यू चाहिए तो मान लो 1 सेकेंड में पूछ लिए डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो बोल देगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, या जितने भी टाइम का वो बता दे, पर वो डिस्प्लेसमेंट का कोई वैल्यू बताएगा। सेम इसी तरीके से एक्सेलरेशन पूछने पे देखेगा वेलोसिटी बदला या नहीं बदला है, पर एक्सेलरेशन का भी कुछ वैल्यू बता सकता, मे बी जीरो ही बताए या कुछ अलग बताए, डिपेंड करेगा इस कार का या इस बस का वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो मेरा पॉइंट समझाना सिर्फ इतना है कि जो हमारा मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। आ जाइए,
हमारा जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। तो कोई चीज अगर किसी पे डिपेंड करे तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव, समझ पा रहे? ये कोई अलग टाइप का मोशन है, ये बोलने का एक तरीका है। कोई चीज किसी पे डिपेंड करे तो उसी को बोलते हैं रिलेटिव। तो हमारा मोशन जो है एक रिलेटिव होता है हमेशा, कोई भी मोशन ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट है, हर मोशन रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर बदला तो ऑब्जर्व बदल गया, मोशन बदल गया। अब इसमें एक टर्म बार बार आएगा, एक टर्म बार बार आएगा जिसका नाम होगा फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रिफरेंस हुआ क्या? फ्रेम ऑफ रिफरेंस हुआ जगह, पोजीशन या लोकेशन जहां से ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करता है। फिर समझो, ऑब्जर्वर अलग है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस अलग है। फ्रेम ऑफ रिफरेंस उस जगह को बोलते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ऑब्जर्वर सी को देखो, कोई बोले इसका फ्रेम क्या है, शॉर्ट में हम लोग इसी को फ्रेम फ्रेम बोलेंगे, पर पूरा नाम हुआ फ्रेम ऑफ रिफरेंस। फ्रेम ऑफ रिफरेंस, तो आप बताइए फ्रेम ऑफ रिफरेंस और इस ऑब्जर्वर सी का क्या है? आंसर है ग्राउंड। रोड पे खड़ा है, रोड पे खड़ा होके देख रहा है, रोड बोलो या ग्राउंड बोलो, अर्थ बोलो, बातें की है, बात समझ पा रहे? तो हम बोलेंगे इसका फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या है। तरीके से ऑब्जर्वर बी का अगर कोई बोले फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे बस। आप क्या बोलेंगे? बस, कार, जो भी है। तो फ्रेम ऑफ रिफरेंस को शॉर्ट में हम लोग एफ ओ आर बोला करेंगे अभी से। तो इसका फ्रेम ऑफ रिफरेंस जो है ऑब्जर्वर बी का, ये हो गया आपका बस। क्लियर है इतनी बातें? फ्रेम ऑफ रिफरेंस हो गया बस, ठीक है। अब ध्यान समझिए, हमारा जो मोशन है ना, जो हमारा मोशन है वो हमेशा डिपेंड करता है, हमेशा डिपेंड करता है किस पे? फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे। अभी तक इस बात का चर्चा क्यों नहीं हुआ? दो चैप्टर तो पढ़ लिए, 1D और 2D। तो अभी तक हमने फिक्स करके रखा था, हम लोग बोले थे एक ओरिजिन है, वहीं पर फ्रेम ऑफ रिफरेंस बैठा हुआ है। पर वो ओरिजिन कहाँ था? उसी ग्राउंड में था। तो अभी तक हमारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ वो इस प्रोस्पेक्टिव से सॉल्व हुआ कि फ्रेम ऑफ रिफरेंस कहाँ था? ग्राउंड में था। अब फिजिक्स में क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एक टूल डेवलप किया गया, जैसे डिफरेंशिएशन क्या है, एक टूल है। किसी छोटे से छोटे चेंज को हम मेजर कर सकते हैं, बिना डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आखिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, ये तो आपकी क्लास में मैंने करवाया था, तो इसका तो प्रूफ भी मैंने शायद आप लोगों को करवाया था, फिर बाद में मैंने बोला याद कर लीजिए फॉर्मूला। तो जब प्रूफ किए थे वहां तो डिफरेंशिएशन यूज नहीं किए थे, बातें समझ पा रहे? वहां तो लिमिट यूज किए थे। तो कहना यह है कि कोई भी जो कंसेप्ट बनाया जाता है, कोई फॉर्मूला इस तरीके का बनाया गया जिससे चीजें जल्दी सॉल्व हो जाए, इसी तरीके से रिलेटिव मोशन, चूंकि हर मोशन किसी फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो हम फ्रेम ऑफ रिफरेंस कभी भी बदल सकते हैं। अब फ्रेम ऑफ रिफरेंस बदलेंगे तो सारा पैरामीटर बदल जाएगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो किसी मोशन को स्टडी अगर करना है, और सिंपल भाषा में बोलो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपके लिए स्टडी करने का मतलब कि आपको थेसिस तो नहीं लिखना है, आपको तो एक क्वेश्चन देगा उसका आंसर देना है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए सॉल्व करने के एक और टूल आपको मिल जाएगा, जिसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, अलग अलग टूल मिला आपको। कि मान लो वेलोसिटी वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेज टाइम का, आपको ना डिस्प्लेसमेंट निकलना है, तो आपके पास एक टूल है कि उसका एरिया निकाल लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक और तरीका आपको पता है, अगर ग्राफ है तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से किसी मोशन का स्टडी करने का एक और तरीका है जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। तो पहली बात दिमाग बैठा लीजिए, रिलेटिव मोशन कोई अलग से टाइप ऑफ मोशन नहीं है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन एक टाइप ऑफ मोशन था, आगे और पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये कोई टाइप ऑफ मोशन नहीं है, बस मोशन को सॉल्व करने का एक अप्रोच है। अगर कोई बोले रिलेटिव मोशन क्या था, बोलेंगे दुनिया में हर मोशन ही रिलेटिव मोशन है, हर मोशन ही रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब होता है डिपेंड करना या विथ रिस्पेक्ट टू, इसी को बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो आप पहली एक लाइन सिर्फ ये लिख लीजिए, आप एक लाइन ये लिख लीजिए रिलेटिव मोशन में, लिखिए
मोशन इज ऑलवेज, अब एक लाइन ये लिख लीजिए कि मोशन इज ऑलवेज ऑलवेज रिलेटिव, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, दैट इज मतलब इसका क्या मतलब है, दैट इज मोशन इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंस, मोशन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये बताओ, दूसरा पॉइंट यही लिख लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो काम की बातें, जितनी चीजें आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए बस वही डिफिनेशन, आपको कोई एग्जाम में डिफिनेशन लिखना नहीं है। तो अभी इस चैप्टर को सीखने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे माइंड में होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो प्लेस है, वो प्लेस है जहां से मोशन को क्या किया जाता है, ऑब्जर्वर, लिख लीजिए इसी पॉइंट को, इट इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर मोशन इज ऑब्जर्व, इट इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर मोशन इज ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर, बाय ऑब्जर्वर, बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। तीसरी बात, ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ऑब्जर्वर अलग है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ा होके बैठकर मोशन को देखता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर को आज मन हो कि मैं इस ग्राउंड से उठकर बस में जाके कूद जाऊं, वो बस के छत पे चढ़ गया तो ऑब्जर्वर बदल जाएगा, यानी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बात समझ पा रहे हैं। तो ऑब्जर्वर कभी भी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जा सकता है, कहना है कि हम अपनी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम अपने ऑब्जर्वर को कहीं भी भेज सकते हैं, हाँ भेजने का कुछ रूल रेगुलेशन होगा, क्या होगा, क्वेश्चंस के फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचेंगे वो तो सीखना है पूरे चैप्टर में, पर दिमाग में ये बैठा लिए मोशन वही है, हम अपनी ऑब्जर्वर को किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाल सकते हैं, हम ग्राउंड में भी डाल सकते हैं, हम किस जो बस है मान लो कहीं लिफ्ट रहेगा कहीं कुछ रहेगा वहां पे डाल सकते हैं, या क्वेश्चन बोलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी मोशन का पैरामीटर है सारा पैरामीटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं, पर एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्या है, वो है टाइम। अब हमारे हर फॉर्मूले में टी आता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखो हमारा जो उत्सव हुआ करता था, याद कीजिए हमारा जो उत्सव हुआ करता था, इस उत्सव में, इस उत्सव में एक एक टी ही ऐसा है, एक ही टी ही ऐसा है जो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब खुद यहां देखकर सोचो, अगर सी के लिए एक घंटा टाइम हुआ होगा तो बी के लिए भी एक घंटा टाइम हुआ होगा, ए के लिए भी वो एक घंटा टाइम हुआ, बातें समझ पा रहे हैं। अगर मान लो सी से एक घंटा हो गया, मान लो वन आवर के बाद तुम पूछो सी से कि बताओ ए की घड़ी में कितना टाइम बीता होगा, तो वो गारंटी के साथ बोलेगा ए के वॉच में भी वन आवर बीता होगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, इसमें कोई आंसर चेंज नहीं होगा। और बी से भी एक घंटे के ड्यूरेशन के बाद आप पूछो कि बताओ ए के लिए कितना टाइम गुजरा है, तो वो भी क्या बोलेगा, वन आवर बोलेगा। तो ये हमारे लिए एडवांटेज है, इसी टाइम को पकड़कर, इसी टाइम को पकड़कर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा। तो रिलेटिव मोशन में याद रखिएगा पहला स्टेप होगा, और ज्यादातर क्वेश्चन भी पूछा यही जाएगा कितनी टाइम में मिलेगा दो बॉडी, कितनी टाइम में ये होगा, और नहीं भी पूछे तो आपको पहले टाइम ही निकालना है। टाइम एक बार निकाल लिए किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका आंसर सेम होगा, तो टाइम एक बार निकल गया उसके बाद हम जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे, बात समझ पा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए उसमें, time is independent from frame of reference, time is independent from frame of reference, ठीक है, time जो है frame of reference से क्या है, independent, ये बातें clear है ना, okay। अब देखिए आप फॉर्मूला सीखे होंगे, सिंबल सीखे होंगे, आप आराम से 5-10 मिनट देखिए उसका मीनिंग समझिए,
फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, कोई फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एक बार थोड़ा फील करने की कोशिश कीजिए कि रिलेटिव मोशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलो जैसे बहुत ध्यान समझो, मान लीजिए आपके पास ना दो बस दिया हुआ है या दो गाड़ी है, कुछ भी, ए और एक बी, दोनों की कोई स्पीड ले लीजिए आप। मान लीजिए इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बहुत ध्यान देखिए, अब ऑब्जर्वर यहां पे भी हो सकता है, ऑब्जर्वर यहां पे भी हो सकता है, ऑब्जर्वर यहां पे भी हो सकता है। ऑब्जर्वर क्या है, कहीं जा सकता है, मेरी मर्जी, मुझे जहां ले जाना है वहां ले जाके बैठा दूंगा उसको। ये यहां रखा मतलब क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसका, ग्राउंड। बात समझ पा रहे ना, इसमें रखा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए, इसमें रखा तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब वो ध्यान से देखिए, अगर मैं ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बातें करूं, यानी ग्राउंड है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब बार बार ये नहीं बोला जाएगा ग्राउंड, बस आपको समझ लेना है, कुछ नहीं बोला जाए तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो अभी तक हम लोग दिए हुए थे, बॉडी इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी, वो किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ करता था, ग्राउंड के। क्या बात है, क्लियर है ना। फिर अगर हम ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदलेंगे थोड़ी देर में, समझो जरा, इससे अगर पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ बी तो ये क्या बताएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। और इससे अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बताओ तो क्या बताएगा, 0। तो इस पॉइंट को भी अभी जरा दिमाग में डालना है कि ऑब्जर्वर जहां पे रहता है ना, ऑब्जर्वर पनौती की तरह, पनौती समझते हैं, हिंदी में एक वर्ड है पनौती, तो कोई अच्छा काम हो रहा है उसको भी खराब कर देता है। तो मोशन का काम है चलना, और ऑब्जर्वर क्या करता है, जहां जाता है वहां के मोशन को वो रेस्ट में ला देता है। जैसे आप खुद सोचो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, इससे आपके दिमाग बैठ जाएगा। मान लो एक ना कोई भी बच्चा था, वो रोड पे खड़ा था, ठीक है, तो उसको रोड रुका हुआ दिखा और सामने से कार चल रहा था, कार मूविंग दिखा, वो जिद किया, कार के अंदर बैठ गया। अब उसको क्या दिखेगा, कार रुका हुआ, कार दिखेगा तो कार कैसा दिखेगा उसको, रुका हुआ, चलता हुआ कार, पर उस कार के अंदर वो चलता हुआ दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा, चाहे कार का स्टेयरिंग हो, कार का सीट हो, और खिड़की के बाहर रोड को देखेगा तो रोड कैसा दिखेगा, चलता हुआ। बस समझ पा रहे हैं, तो ऑब्जर्वर का यही है ड्यूटी, जहां ऑब्जर्वर होगा वो केस में हो जाएगा, रेस्ट में। मेरी बात समझ पा रहे हैं, उससे जब भी पूछोगे भाई तुम अपना वेलोसिटी बताओ, तो वो हमेशा क्या बताएगा, 0, यही है। तो ये बातें समझ गए, अब आगे समझते हैं। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए को दे देते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब मेरा ऑब्जर्वर टू यहां से यहां आगे। अब उससे पूछना चालू करो चीजें, तो देखो क्या बताएगा। अगर उससे पूछोगे ए का वेलोसिटी कितना है, तो क्या बताएगा, सोचो, कार के अंदर बैठा हुआ आदमी से पूछो कि तुम्हारा कार चल रहा है रुका हुआ, तो क्या बोलेगा, रुका हुआ क्यों, उसके कार जो अंदर, मानो बाहर नहीं देख रहा, वो खिड़की के बाहर नहीं देख रहा, सिर्फ कार के अंदर ही देख रहा है, समझ पा रहे हैं, तो उसको कैसा दिखेगा, रुका हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी अब जो ये वेलोसिटी ऑफ ए था 2 मीटर पर सेकेंड, उसका आंसर हो गया वेलोसिटी ऑफ ए 0। तो दिख रहा है, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया वेलोसिटी 0 हो गया। ओके, अब जरा बताओ इस ग्राउंड के बारे में, जरा देखो इससे अगर पूछो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो ये क्या बताएगा, वो ध्यान समझो। अगर हम आगे चलते हैं तो हम तो नहीं चलता हुआ दिखते हैं, हमें बाकी दुनिया क्या दिखता है, पीछे जाता हुआ, ऐसा महसूस किए हैं, कार से जाते हैं तो आपको नीचे देखोगे तो आपको लगेगा रोड पीछे जा रहा है, ऐसा ही होता है जी। यानी उसको लगेगा ये जो ग्राउंड है वो पीछे जा रहा है, कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से वो एक्चुअल में जा रहा था, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड से। मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो वो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड -2 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, इसमें साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन डिपेंड करेगा, तो आप अपने मन से, हो सकता है इसको प्लस मानो तो यहां पर माइनस देना पड़ेगा,
मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो साइन कन्वेंशन एक हमेशा इसमें याद रखिएगा, अभी मैं लिखाऊंगा भी जब हाउ टू सॉल्व हम लोग लिखेंगे, साइन कन्वेंशन हमेशा हम लोग यूज करेंगे, जनरल साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, नीचे को निगेटिव और इस डायरेक्शन को भी निगेटिव जनरली यूज करेंगे। ओके, ये सब तो हो गया। अब जो है ना, कार ए से पूछा कि भैया कार बी का मुझे वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी ऑफ कार बी। बहुत ध्यान देखिए, अब वो कैसे बताएगा, उसको वेलोसिटी का डेफिनेशन याद है क्लास 9 का। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम, यही है सबसे बेसिक डेफिनेशन, छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का डेफिनेशन सबसे छोटे बच्चे को, आप भी जब 9th में थे यही सिखाया गया, वहां सिखाया गया था क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वो तो बच्चा पागल हो जाएगा। आपको क्या सिखाया गया, एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितना चलता है उसी को भाई साहब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो क्या किया, घड़ी के साथ एक सेकेंड देखा। अब बहुत ध्यान समझिए, मान लो शुरुआत में यहां और यहां के बीच 10 मीटर का डिस्टेंस था, एक सेकेंड बाद वो देखा, एक सेकेंड में क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कितना आगे चला गया, 2 मीटर, क्योंकि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था। तो ए यहां आ गया, ए यहां आ गया एक सेकेंड के बाद, और बी कहां चला गया एक सेकेंड के बाद, यहां से 5 मीटर आगे, समझ पा रहे हैं, यहां से 2 मीटर और यहां से आगे कितना चला गया, 5 मीटर, क्लियर है ना, बी यहां आ गया। यहां तक चीजें समझ पाए आप, एक सेकेंड के बाद बी कहां पाया जाएगा, यहां से 5 मीटर आगे, क्योंकि उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और ए पाया जाएगा 2 मीटर आगे। अब इस दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अब इस दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सोचो अब इस दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। देखिए बहुत ध्यान समझिए, यहां से यहां तक ऑलरेडी 10 मीटर है, ये जोड़ दो 5 मीटर, तो यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना हो गया जी, 15 मीटर हुआ ना। 15 मीटर में ये कितना आगे जा चुका है, 2 मीटर, तो बचा कितना, 13 मीटर, क्या बचा, 13 मीटर। अब ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ए यहां आ गया बी यहां आ गया, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 13 मीटर, बात समझ पा रहे हैं। और पहले कितना था, 10 मीटर। तो वो क्या कैलकुलेट करेगा, एक सेकेंड में कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 सेकेंड नहीं हुआ जी, पहले ऑलरेडी दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर था, बाद में दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर हो गया, तो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 मीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? तो सिंपल फॉर्मूले से या सिंपल डेफिनेशन से वो क्या ये आंसर दे सकता है ना कि बी का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि उसके नजर में तो जो चला है वो बी है, खुद तो रुका हुआ है, वो तो खुद को रुका हुआ पहले ही बोल दिया, रेस्ट मतलब जीरो मतलब रेस्ट। तो अगर दो बॉडी है, एक बॉडी रुका हुआ है, अब बोलो इस दोनों के बीच 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो चला कौन, दूसरा ही बॉडी ना चला, यानी कि बी का वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन है कि ये तो इतना लॉजिक समझा है बिना रिलेटिव मोशन का, इसी को फॉर्मूले में सॉल्व करना, तुरंत सॉल्व हो जाना, यही रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। यही 3 मीटर पर सेकेंड हम कैसे ओरली लेकर आए, या VV-VA ऐसा जो फॉर्मूला आप 11 में पढ़ के आए हैं वो करें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब आइए, एक ऑब्जर्वर बच्चा, उसको क्यों छोड़ोगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, बाकी आप चीजें समझ गए जो आप मुझे समझाना था। अब इस बार आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग रख देते हैं इस बार बी को, ठीक है, फिर से बताइए वेलोसिटी ऑफ ए क्या बताएगा, सोचो। अब तो आपको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना, सब पहुंच चुका है। बी क्या बोलेगा, पहले अपने आप को रेस्ट में मानेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी तो हम जीरो बोल देंगे, पर एक सेकेंड बाद फिर से बी देखेगा हम यहां आ गए, ए देखेगा यहां आ गए, वो अपने आप से उसका डिस्टेंस देखेगा 3 मीटर पर सेकेंड, समझ पा रहे हैं, तो वो बताएगा उसकी वेलोसिटी भी कितना है 3 मीटर पर, प्लस या माइनस, माइनस बताएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
उसे दिखेगा पीछे हो गया, और समझो ये यहां था ये यहां था 10 मीटर। अब उसको क्या लगेगा, ये तो रुका हुआ था, अब 10 से अगर आगे जाता तो कम होता या ज्यादा होता, कम होता ना, उसको लगेगा ये और पीछे चला गया, तब तो 10 का 13 हुआ। समझिए ए और बी यहां है, आप खुद सोचो आपने किसको माना है, बी को माना है, ये बी है, ये फिक्स है, ये ए है, इसके बीच 10 मीटर था। अब अगर ये प्लस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी माने तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना, पहले 10 था अब 7 हो जाएगा, तो 3 किधर माना होगा, पीछे, तब तो 13 हुआ, 10 का 13 मतलब इधर इधर भागा ना, क्योंकि ये तो फिक्स है, क्लियर है ना, यानी वो किस डायरेक्शन में मानेगा, माइनस की डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही है कि अगर रिलेटिव कंसेप्ट को नहीं समझे, जो हम लोग सीखे उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कितना सोचने में टाइम लग रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है, 1 सेकंड के लिए इतना मुश्किल हो रहा है, ज्यादा सेकंड के लिए और दिक्कत हो। ओके, कुल मिलाकर अगर उससे आप पूछ दो कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड बता दो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा वो खुद चल रहा है, नहीं नहीं माइनस कैसे, वो खुद चल रहा है 5 से, तो नीचे दिखेगा जमीन को तो कितना दिखेगा, -5, पीछे जाता हुआ दिखेगा। अब ए को थोड़ी देख रहा है जी, ग्राउंड का ना पूछ रहा है वो, तो इस पे बैठ के वो किसको देखेगा, ग्राउंड को, सामने वाले रोड को, तो रोड उसको अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा कितनी स्पीड से, जितने से खुद था, इसका आगे था तो रोड पीछे जाता हुआ दिखेगा, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो कैलकुलेशन किए अभी, कोई रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किए नहीं, यही कैलकुलेशन हमें सीखना है। जो वेलोसिटी के लिए सिखाए सेम बात डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हो सकता है, सेम बात एक्सेलेरेशन के लिए भी हो सकता है, पर इसी चीज को कैसे तुरंत सॉल्व कर ले, ओरली सॉल्व कर ले, वो हमें सीखना है इसमें, क्लियर है ना। ओके, अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे ये निकालेंगे तुरंत, तो बहुत ध्यान समझिए, एक पॉइंट को याद रखिए। अभी तक आपको ये समझ में आ गया ऑब्जर्वर कौन है और मतलब ऑब्जेक्ट कौन है, जो मोशन करता है वो कौन है, ऑब्जेक्ट, जो मोशन करता है वो कौन क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, यहां पर ऑब्जेक्ट ए हुआ, ये ऑब्जेक्ट बी हुआ, ये ऑब्जेक्ट सी हुआ, और ऑब्जर्वर कौन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, बात समझ पा रहे। तो ऑब्जेक्ट मतलब जो मोशन करता है, ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब हुआ जो मोशन में है, व्हिच इज परफॉर्मिंग मोशन, या जिसका मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो हमें ना क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर भी पहचानना बहुत जरूरी होगा। जब भी रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे, मैं एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, तो वहां पर आपको पहले माइंड में क्लियर कर लेना हमारे लिए ऑब्जर्वर कौन होगा और ऑब्जेक्ट कौन होगा। एक्चुअल कंडीशन देगा कि दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, इसको छोड़ दो, अपनी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एक बॉडी ऐसा चल रहा है एक बॉडी ऐसा चल रहा है, बताओ कितनी देर बाद एक दूसरे को चेस करेगा, चेस करते समय दोनों का पोजीशन क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1D में, 2D में उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो हमसे तो वो नहीं बोलेगा कि ऑब्जर्वर ए है ऑब्जर्वर बी है, आपको डिसाइड करना है कि किसको जीरो करोगे, जो उसको आपने ऑब्जर्वर बना दिया, ऑब्जर्वर रहेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसका घर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। समझ पा रहे हैं? तो आप जो वेलोसिटी निकालोगे पहले किसका निकाल लोगे, ऑब्जेक्ट का, और फिर वहां से हम लोग निकाल लेंगे टाइम, और उसी टाइम का यूज करेंगे कहीं पे भी। अभी आपको धीरे 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 चीजें समझ में आएगा। पहले मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो सिखाना चाहता हूँ, ये जो ये वाला जो वैल्यू निकाले यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर निकाले -3 मीटर पर सेकेंड, इतना सोच कर इसको ओरली कैसे करें, इसको ओरली कैसे करें, क्लियर है? तो आप ना 1 मिनट बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, अब मैं आपको समझाता हूँ उसको ओरली कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह का डायग्राम है मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओरिजिनल डायग्राम रहने दे रहा हूँ, ये सब 5 मीटर 10 मीटर मिटा रहा हूँ, जिससे मैं थोड़ा इसमें और दिखा पाऊं। तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, ये याद रखिए, मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ। तरीका बस यही है, पहला ट्रिक तो समझ में आ गया कि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या रहने वाला है, जीरो, क्योंकि ऑब्जर्वर पनौती है, जहां जाता है वो किस में आ जाता है, रेस्ट में। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? अब
जो फिजिक्स है ना वो कंजर्वेशन के लॉ पे चलता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी, बहुत सारा कंजर्वेशन आगे पढ़ेंगे। तो वो था वेलोसिटी में, वो था वेलोसिटी में, आप उसको ऑब्जर्वर बना दिए जबरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसका वेलोसिटी कहीं ना कहीं तो मेंटेन होगा, तो उसकी वेलोसिटी देना पड़ेगा किसको, ऑब्जेक्ट को। दुनिया में दो ही चीज है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। आप जब भी ऑब्जर्वर जिसको भी बनाए उसकी वेलोसिटी तो हो गया जीरो, तो उसका जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी भी एक काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? वेलोसिटी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी क्या रहना चाहिए? कंजर्व। यहाँ तो ऐसा नहीं चलते चलते हाइट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो उसका तो बेचारे का एनर्जी कंजर्व रहना है, काइनेटिक एनर्जी। तो वो वेलोसिटी किसी ना किसी को देना पड़ेगा, तो आंसर अब बचा कौन? ऑब्जेक्ट। तो यही ट्रिक है कि जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी आपको ऑब्जेक्ट में ऐड कर देना है। ये बातें समझ पाए? पर ऐड करते समय साइन अपोजिट लेना है, तो मैं यही बता रहा हूं। ऐड क्या ऐड करना है? जो आपको जरूरत है, तीनों चीजें सेम ट्रिक है, चाहे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, चाहे वेलोसिटी निकालना हो, या चाहे एक्सेलेरेशन निकालना हो। तो मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी, में लिखा दूंगा एक एक बातें, सिर्फ अभी बोर्ड पे ध्यान दें। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलेरेशन, जो भी हमें चाहिए, ऑफ ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। ट्रिक सबको याद हो गया? क्या ट्रिक है? ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है वो किस में जोड़ देंगे? ऑब्जेक्ट में। दो ही चीज है, जिसके बारे में पूछ रहा होगा उसमें जोड़ दो, पर कैसा जोड़ोगे? अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑब्जर्वर के पास आई डायरेक्शन में था तो उसके पास जोड़ोगे माइनस आई। बात समझ पा रहे हैं? अगर वो इस डायरेक्शन में था तो आपको उसमें जोड़ेंगे इस डायरेक्शन में। क्लियर है मेरी बातें? चलो अब ना डायग्राम देखो, सेम आंसर लेकर आएंगे, अब ओरली लेकर आएंगे। तो जो ये आंसर कैसे लगाए थे, ये डिस्प्लेसमेंट से, उसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये हम लोग 15 मीटर मिटा दिए, 2 मीटर, ये 15 मीटर, ये 13 मीटर, ये 10 मीटर। ठीक है, अब सिर्फ उसी कंसेप्ट को आपको याद यूज करना है, सिर्फ इसी कंसेप्ट को, सिर्फ इसी कंसेप्ट को यूज करना है। ठीक है, बहुत ध्यान देखिए। अच्छा, ग्राउंड का अपना वेलोसिटी तो जीरो होता है, ये भी लिख लीजिए, तभी तो आप जोड़ोगे ऑब्जर्वर, हर ऑब्जर्वर का, इसका वेलोसिटी है जीरो। ठीक है, आ जाइए ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस आए, ये किससे पूछ रहे हैं? ए से। तो यानी इसका जीरो हो गया तो अपनी वेलोसिटी किसमें दे देगा? ए में। पर किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जीरो है तो इसका डायरेक्शन क्या? तो किधर भी कर दो प्लस जीरो। समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में तो दो प्लस जीरो दो ही रह गए। ठीक है, जी का पूछ रहा है तो इसके लिए जी, जी भी क्या है इसके लिए? एक ऑब्जेक्ट हो गया, खुद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर पहले जीरो था तो जीरो हो गया। क्लियर है ना? अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना था, इसका डायरेक्शन है इसीलिए यहां पे मैं लिखा। अच्छा, बी, बी में भी प्लस जीरो करोगे उतना ही रह जाएगा। चलो इसमें आ जाओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ए में। अब ए जो है इसकी वेलोसिटी कितना है जी? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? अब जिसका पूछेगा उसमें उसको जोड़ोगे, वो ऑब्जेक्ट है, पर किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही ए से पूछे तो ए में हम 2 मीटर पर सेकेंड जोड़ दिए, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। बताओ तो आंसर क्या होगा? वेलोसिटी एक वेक्टर है, 2 मीटर बोल रहे हो इधर, 2 मीटर इधर, तो आंसर क्या हो गया? जीरो। अगर मानो बी का पूछ रहा है तो अब बी में जोड़ेंगे इसका अपोजिट डायरेक्शन में, 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप बताओ क्या आंसर हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर पूछ रहा है ग्राउंड का तो अब ग्राउंड में जोड़ो, इसका ये है ना इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन जोड़ोगे कितना? 2 मीटर माइनस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब उतना जो हम तामझाम कर रहे थे कि 1 सेकेंड में इतना गया, 1 सेकेंड में इतना गया, वो ओरल सॉल्व हो जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से आ जाओ इसमें, बी में आ जाइए। चलिए बी में आ जाते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि फिर से मैं डायग्राम में जोड़ूंगा। ठीक है, तो बी का आपको याद रहे इसलिए मैं बी का वेलोसिटी यहां लिख दे रहा हूं। बी का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको जोड़ना है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका पूछे उसमें जोड़ दो।
फिर से वेलोसिटी ऑफ ए, तो ए में जोड़ेंगे इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड, आ जाओ जी, ए में जोड़ दिया 5 मीटर पर सेकंड, अब बताओ आंसर क्या बचेगा, -3, इधर इधर 5, इधर 2, तो आंसर इधर 3, पर इस डायरेक्शन को क्या दिखाएंगे, माइनस में, क्लियर है ना। ओके, बी का पूछते हैं, तो बी में जोड़ोगे 5 इस डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो गया, 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर ग्राउंड का पूछे, ग्राउंड का, तो ग्राउंड में जोड़ो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड, आंसर क्या हो गया, 0। समझ पा रहे हैं, बस इतना ही है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, ये आप समझ गए, तो कभी भी निकालना। अच्छा, किसी चीज में तीनों में वैलिड है, मैंने अभी वेलोसिटी में बताया, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाएंगे, एक्सेलरेशन में भी आ जाएंगे, ये आया कैसे वो भी मैं बता दूंगा, प्रूफ भी इसको समझा दूंगा, पर काम की बात इतना है, एग्जाम में आपको यही बात याद लेकर जाना है, ये बात याद हो गया, ट्रिक बस यही पॉइंट को याद रखना है, क्लियर है ना। ओके, अब देखो इसको फॉर्मूला के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, जो एग्जाम में आप लोग किए थे, हम लोग बोलते हैं चलो उसको लिखा देंगे, पहले इसको लिख लीजिए, और जो एक दो पॉइंट ये ट्रिक वगैरह मुझे नोट कराना है उसको आप नोट कर लीजिए शुरू में ही, तो क्या होगा, जो भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है वो एक जगह लिखा रह जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप एक पॉइंट लिखिए इसके नीचे कि व्हेन वी यूज कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी, जो भी रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हम कब यूज करेंगे, क्योंकि हम देखे बिना रिलेटिव के कंसेप्ट के भी हमारा आंसर तो आ गया था ना ये, पर उतना सोचना पड़ा था, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा शुरुआत में ही कि अब हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करें या जनरल कंसेप्ट जो अभी तक हम लोग सीखते आए उससे सॉल्व करें, क्लियर है ना। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड है, उस कीवर्ड को लिख लीजिए, पहले लिखिए व्हेन व्हेन टू ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब दो ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिखे कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन में है, आपके दिमाग में आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, मैं नहीं बोल रहा हूं यही एकमात्र तरीका है, सबसे आसान तरीका होगा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट ये माइनस करना पड़ेगा, जैसे अभी देखो दो मोशन एक साथ है, दो से ज्यादा भी हो तब भी, तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट या मोर देन टू ऑब्जेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट मोशन में हो, जब एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में तो रिलेटिव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब मान लो ये ग्राउंड वाला से सिर्फ ए के बारे में कुछ भी पूछता तो इतना ताम झाम क्यों करे, डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बोलेंगे, पर अब दो दो ऑब्जेक्ट है मोशन में इसलिए हमें बोलना पड़ा, ठीक है। ओके, इसके अलावा कुछ और कीवर्ड लिखिए, इसके अलावा कीवर्ड लिखिए, इसके अलावा कीवर्ड लिखिए, लिखिए व्हेन, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, व्हेन कीवर्ड लाइक, व्हेन कीवर्ड लाइक रिलेटिव, इवन दो क्वेश्चन में एक टर्म आपको मिल जाएगा रिलेटिव, ठीक है, व्हेन कीवर्ड लाइक रिलेटिव कोमा दे दो, विथ रिस्पेक्ट टू, ये वर्ड मिल जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, ऐसा वर्ड आएगा बार बार, यानी कीवर्ड आपके लिए हो गया विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में डब्ल्यू आर टी लिखते हैं, पता है ना हम सभी को, ठीक है। फिर कोमा दीजिए, इन फ्रेम ऑफ, ऐसा वर्ड मिल जाए, फाइंड द वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ बस, इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन, इन द फ्रेम ऑफ अर्थ, कुछ भी बोल दे, तो इन फ्रेम ऑफ वर्ड मिले, ये भी समझ जाएंगे कि अब ना हम रिलेटिव की कंसेप्ट को यूज करेंगे। कोमा लगाइए, एज ऑब्जर्व बाय, एज ऑब्जर्व बाय, ऐसा कुछ लिखा हो कि ये ऑब्जर्व कर रहा है ऐसा, तो आप खुद समझ जाएंगे ऑब्जर्वर कोई और है, ग्राउंड नहीं है। ये कुछ कीवर्ड है, तो ये सारा वर्ड अगर आपको क्वेश्चन में दिखे तो हम सोच लेंगे कि हम किस कंसेप्ट का यूज कर लेंगे, रिलेटिव मोशन का, समझ पा रहे हैं। अब समझिए हाउ, इसको यूज कैसे करेंगे, अब समझ जाइए हाउ इसको यूज कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझ जाइए, ठीक है। तो पहला स्टेप लिखिए, पहला स्टेप लिखिए आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ब्रैकेट लिखिए
ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ रहेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी लिख लीजिए, है ना। फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर है एक ही, पर आप ऐसा भी नहीं बोल सकते एक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर बदल सकता है अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी दो अलग ऑब्जेक्ट है तभी तो वो एक दूसरे बदल पा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आपको पता होना तो चाहिए कि यहां पर ऑब्जर्वर है ग्राउंड, तो ग्राउंड का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, और बाकी जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो उसमें उसकी वेलोसिटी को प्लस करना है मुझे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन के शुरू में ही जैसे हम करेंगे तो हमारे लिए ये क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ऑलवेज एज्यूम, ऑलवेज एज्यूम ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर जहां भी जाएगा वो पनौती बन जाएगा, वो रुक जाएगा, है ना, उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो हो जाएगा, उसकी एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, उसके खुद का डिस्प्लेसमेंट सब जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रुका हुआ चीज है, रेस्ट में है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो तीसरा स्टेप में लिखिए, नाउ फाइंड रिलेटिव रिलेटिव, यही लिख लीजिए, वेलोसिटी कोमा डिस्प्लेसमेंट कोमा एक्सेलेरेशन एज पर रिक्वायरमेंट, जो जरूरत हमें क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है अब यहां पूछ ही नहीं रहा एक्सेलेरेशन तो आप क्यों निकालोगे। नाउ फाइंड रिलेटिव, ये सब जो हुआ ना, ये आंसर रिलेटिव आंसर हुआ, ये सब रिलेटिव आंसर हुआ। नाउ फाइंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, नाउ वी यूज फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला या इक्वेशन लिख लीजिए, फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो भी मोशन है हमारा, स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी मान लो सर्कुलर मोशन आ गया, सर्कुलर मोशन का यूज करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करेंगे, जैसा मोशन है उसका फॉर्मूला या इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखे हम लोग, नाउ वी यूज फॉर्मूला ऑफ मोशन एंड फाइंड टाइम, एंड फाइंड टाइम, हम लोग फाइंड करेंगे टाइम को। अब टाइम जब फाइंड हो गया तब अब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ये सब कहानी से हम लोग बाहर आ गए, अब हम कैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम आंसर होता है ना। तब अब एज पर क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट सिर्फ ये लिख लीजिए, टू फाइंड एनी अदर पैरामीटर जनरली वी यूज ग्राउंड एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको नोट करना है, ये ट्रिक नोट कर लीजिए, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है, जो मोशन कर रहा है जिसके बारे में पूछ रहा है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना, जो देख रहा है उसको ऑब्जर्वर बोलेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक से निकालेंगे। क्या ट्रिक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर को एड करना है ऑब्जेक्ट में इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बस कहानी खत्म, 1D का रिलेटिव मोशन आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब थोड़ा उसका सिंबल वगैरह पहचान लेते हैं, बुक में कैसा सिंबल दिया रहता है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको सिंबल और प्रूफ समझा देता हूँ, ये सब आता क्यों है, ये तो ट्रिक हो गया, ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है एक बार वो भी आपके समझ में आ जाए। पहली चीज हम लोग समझते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वहीं से सारे पैरामीटर आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे वेलोसिटी मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालोगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा। मान लो पहले यहीं पे दो ऑब्जेक्ट रहा करता था, ए और बी, दो ऑब्जेक्ट यहीं पे रहा करता था, ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है जी। ए जो है, ए यहां से उठा और यहां चला गया, ए शुरुआत में यहां रहा करता था, ये सब इसका अपना इनिशियल है, दोनों का इनिशियल है, ठीक है, ए का ये फाइनल है। अब आपसे कोई बोले कि ए का डिस्प्लेसमेंट बताओ,
अब लोग डिस्प्लेसमेंट दीजिए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का एरो दिखाता है उसकी डायरेक्शन, यानी कि इधर से इधर इसका मोशन हुआ है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। क्या ये बातें क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस, पॉइंट क्लियर है ना? अगर मान लो बी वहीं जाता तब तो बात ही खत्म था, कहीं और चला गया। मान लीजिए बी जो है ना यहां से उठकर यहां चला है, आपसे कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बताओ, और बोलो ये लो यहां से इस डायरेक्शन गया, एरो मुझे उस डायरेक्शन रखना है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। पर अब कोई पूछे कि ए से पूछा रहा है कि बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए, बात समझ पा रहे हैं? तो अब ए क्या देखेगा? ए अब ये इसको थोड़ी देखेगा, ए तो अपने आप को रुका हुआ माना होगा यहां से यहां तक, वो सिर्फ बी को देखेगा बी कैसा गया, समझ पा रहे हैं? अब बी इसको ऐसा जाता हुआ नहीं दिखेगा, उसको कैसा जाता हुआ दिखेगा? उसको बोलेगा वो देखो उधर चला गया, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो बोलेगा भाई साहब ये है बी का डिस्प्लेसमेंट, वो बोलेगा ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, और जो ऑब्जर्व करता है उसके बाद में लिखते हैं, यही आपको सिंबल सीखना है। जब अकेले का है तब तो सिंबल छोड़ दिए, या ग्राउंड है, बाकी अगर कोई और ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को बाद में लिखते हैं, ये जो बाद में लिखते हैं यही होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, क्या मेरी बात समझ पा रहे? अब इसमें लगाइए ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है तो तीनों वेक्टर ही, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, कैसे जोड़ना है जी? हेड से टेल को, क्या बात समझ पा रहे हैं? तो देखो हेड से टेल कहां जुड़ा हुआ है, यहां पे, यहीं पे ना हेड से टेल जुड़ा हुआ है, यहां तो हेड से हेड जुड़ा हुआ है, यहां टेल से टेल जुड़ा हुआ है, यही ना हेड से टेल जुड़ा हुआ है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करोगे अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं तो जोड़िए, हम लोग क्या बोलेंगे, एस ए वेक्टर प्लस ऑफ एस बी ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, इनिशियल से फाइनल मिला वही रिजल्टेंट होगा, यानी कि एस बी। अगर मुझे ये फाइंड करना है इसको यहीं रहने देता हूं, इसको उधर भेज देता हूं, क्या बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए जरा इसी से हम क्या बना सकते हैं, एस बी ए का फॉर्मूला क्या हो गया, एस बी माइनस ऑफ एस ए, क्या यही काम आप कर रहे थे अभी तक, ठीक है ना? यहां ऑब्जर्वर कौन है, ए, समझ पा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कौन है, बी, बहुत ध्यान से देखो बी क्या है, बी है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी बारे में बता रहे हो, और जो बाद में होता है वो देखता है, यानी ये है ऑब्जर्वर, और यही तो करते थे, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना मतलब क्या है, माइनस ही तो करना है। तो यहाँ क्या किए, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन क्या कर दिए, माइनस कर दिए। इसको अगर प्लस में लिखना है तो प्लस में लिख सकते हैं, वेक्टर में अच्छे से हम लोग सीखे हैं सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ एडिशन, यानी कि एस बी ए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसको अच्छे से, इसी को आप चाहो तो ऐसा भी तो बता सकते हो कि एस बी ए जो है ये कुछ भी नहीं है, एस बी माइनस ऑफ एस ए बोल दो, और एस बी प्लस माइनस ऑफ एस ए बोलिए, यही करते थे हम लोग, जोड़ते थे पर उसका अपोजिट नेगेटिव वेक्टर को जोड़ते थे। तो ये कुछ भी नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया कोई ट्रिक नहीं है, वो तो मैंने आपको याद कराया, वो तो फॉर्मूला ही है, वो तो फॉर्मूला है। अब याद कीजिए इलेवेंथ में ऐसा ही फॉर्मूला पढ़े थे, क्लियर है ना? अब इसी डिस्प्लेसमेंट को अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट या टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो यही क्या बना देगा, वेलोसिटी। तो हमारे लिए वी वी यानी वेलोसिटी ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो, वी वी माइनस बी ए, क्लियर है ना?
इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन कोई पूछ दे बी का एज ऑब्जर्व बाय ए, फिर से तो वही बनेगा क्योंकि वेलोसिटी का जो भी निकालोगे रेट ऑफ चेंज, समझ पा रहे हैं, तो सीक्वेंस तो यही रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, कुल मिलाकर हर जगह देखो यही कर रहे हैं, प्लस ऑफ अपोजिट, क्लियर है ना। तो जो अभी हम लोग ट्रिक सीखे थे उसका एक्चुअल फॉर्मूला का फॉर्मेट ये है, ठीक है। अब ये जो लिखते हैं बी ए, ये क्या लिखते हैं, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं एस बी ए, क्या चीज का सिंबल है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ, चलो उसको ना मैं पूरा लिखता हूं, पूरी बात को लिखता हूं, आप इसको नोट करते रहिए। अब सारी बातें आप जानते हैं, बस आपका रिवीजन हो रहा है, जो सीखना था सीख गए। एस बी ए का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बुक में यही लैंग्वेज मिलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका कुछ और मतलब नहीं, इसका मतलब बस यही हुआ ए ऑब्जर्वर है और बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज सीन बाय ए, ए जैसा उस देखा वो आप बता रहे हैं, इसको कोई भी भाषा हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज सीन बाय ए। तो ये सारा बातें एक ही है, इसका सिंबल आप समझ गए, इसका सिंबल आप समझ गए, इसका सिंबल आप समझ गए। तो फॉर्मूला कहां से आया ये भी आप समझ गए। अच्छा एक बात बहुत ध्यान समझिए, ये जो आप इतना लिखे ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज ऑब्जर्व बाय ए, इसी के लिए एक सिंपल वर्ड कर देते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। सिंपल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, अगर ग्राउंड कोई चीज ऑब्जर्व करता है तो उसको एब्सोल्यूट मानते हैं, और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी चीज को ऑब्जर्व किया तो उसको रिलेटिव बोल देते हैं। पर प्योर कंसेप्ट यही है, प्योर कंसेप्ट यही है। अब जल्दी से इसे नोट करें, जल्दी से नोट करें, 10 मिनट और लगेगा। जो भी बेसिक चीजें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं उसको एक सीक्वेंस हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, कीजिए जल्दी कंप्लीट करें, जल्दी कंप्लीट करें। आइए तो देखिए, अब ऐसा जरूरी था नहीं कि सिर्फ ए ही बी को देखता, अगर मान लो यही पूछता कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी क्या बोलता, बी बोलता मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी यही वेक्टर साइज यही रहता, सिर्फ वेक्टर का क्या बन जाता है अपोजिट डायरेक्शन, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहीं पे थोड़ा मैं यहां पे दिखा रहा हूं, चलो इस ऑब्जर्वर को मैं यहां से हटा दे रहा हूं और यहां पे लिख दे रहा हूं, ये देखो वेक्टर का साइज यही रहता, सिर्फ एरो बदल जाता है ना, और ये हो जाता डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो बाद में लिखा हुआ है वो है ऑब्जर्वर, यहां पर बी है ऑब्जर्वर, ठीक है ना, यहां पर ए है ऑब्जर्वर, ठीक है, ओके। आइए तो एक बार अपोजिट भी लिखकर हम लोग देखते हैं, फिर एक बार फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, क्लियर है ना, ठीक है। तो मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, आप चाहो तो अपनी डायग्राम में दूसरा एरो भी दिखा दीजिए कि दूसरे का जस्ट इसके अपोजिट है, साइज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, निगेटिव वेक्टर होता है, निगेटिव वेक्टर होता है, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। तो अगर मान लो मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अभी ऑब्जर्वर कौन था ए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, इस बार किसको रखे थे ऑब्जर्वर, जो हम लोग लिखे हैं बी को ऑब्जर्वर है ना, तो ठीक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये लिखना है, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना? बी ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो एज सीन बाय, एज ऑब्जर्व बाय, विथ रेफरेंस ऑफ ए। तो इसका सिंबल कैसे बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस, पहले बी का है तो बी, बाद में ऑब्जर्वर को लिखेंगे ए। क्लियर है ना? सेम इसी तरीके से अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, जिसका वेलोसिटी उसको तो पहले लिखो, अब जो ऑब्जर्वर है ये ए। ये सारी चीजें फिर हम लोग करेंगे, याद करो आप किए होंगे अभी 12 में, रे ऑप्टिक्स में, कहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव, याद आ रहा है कुछ? वहां भी ऐसा ही सिंबल बनाते थे N1 to N21, कुछ आया? वैसा ही करेंगे। अच्छा एक्सेलेरेशन देख लो, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जब मुझे अगर फॉर्मूला लिखना है, जरा फॉर्मूला लिखना है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, एस बी माइनस एस ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए। यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को या एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट को माइनस करते हैं, या प्रिसाइजली वेक्टर में निगेटिव कुछ नहीं होता है तो एड ही करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है ना? ओके, अब बहुत ध्यान से समझिए, इफ एक्सेलेरेशन इक्वल टू जीरो, जैसे ये पूरा नाम तो हुआ एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पर इसके लिए एक शॉर्ट टर्म हम लोग बोलेंगे, ये कैसा एक्सेलेरेशन है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन है। ये कैसा है, हम पार्टिकुलर एक ऑब्जर्वर फिक्स करके रखें, ये किस कैसा वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी अगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो हो कहीं पे और मुझे कैलकुलेशन वहां पे करना है, तो अपने लिए जीरो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हुआ यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, ये जो हुआ ये इसका नाम हो जाएगा यूनिफॉर्म, था बस यूनिफॉर्म मोशन में एक्चुअल एक्सेलेरेशन देखते थे ग्राउंड के रेफरेंस में, या किसी के रेफरेंस में देख रहे हैं रिलेटिव एक्सेलेरेशन, अगर वो जीरो है तो रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और इस समय आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या टाइम निकालना है तो आप बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, वो तो अलग अलग फॉर्मेट है। और अगर आपका रिलेटिव एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, फिक्स है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है पर कांस्टेंट है, बताओ इस केस में, और पाथ हो हमारा स्ट्रेट लाइन, और पाथ हो स्ट्रेट लाइन, बताओ इस केस के लिए अपने पास कितना फॉर्मूला था, तीन, कुछ याद आया, तो यहां भी तीन यूज करेंगे। जैसे मान लो इस पार्टिकुलर फॉर्मेट के लिए यूज करना है तो कैसे बोलेंगे, पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो रिलेटिव कर रहे हैं किसका, किसके रिस्पेक्ट में, बी के, तो वी बी ए, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू भी बी ए लेंगे, ए और टी तो टी है, उसका तो कोई फ्रेम ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, समझ पा रहे? जैसे हमें लगाना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर मुझे मालूम है रिलेटिव लगा रहे हैं तो हर पैरामीटर रिलेटिव का ही यूज करेंगे, तो ये अगर बी ए का लगा रहे हैं तो हर कोई बी ए का ही यूज करेंगे, हाँ ए बी का भी कर सकते थे, ये भी ए बी, ये भी ए बी, ये भी ए बी, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है या जो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाए। अगर आप मुझे लगाना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, लगाइए कोई दिक्कत नहीं, पर भी ए है लगा रहे हैं तो सब में भी ए ही लगाइए, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मूला देखो फिर से वही है, कंसेप्ट भी वही है, सिर्फ एक चीज ऐड हो गया, जैसे आपने एक डिफरेंशिएशन एक टूल सीखा था, इंटीग्रेशन एक टूल सीखा था, इसी तरीके से रिलेटिव मोशन भी एक टूल है, जिस टूल की मदद से हम अपने ऑब्जर्वर को उठाओ और कहीं पे भी पटक दो, जिसको पनौती लगाना है उसके पास क्या भेज दो, ऑब्जर्वर की, बातें समझ पा रहे हैं? कुछ लोग भी होते हैं ना पनौती, जहां जाते हैं वहां काम बिगाड़ देते हैं, ऐसे लोगों से मिले आप लोग, कोई आपके दोस्त बंधु मित्र हैं पनौती,
आप लोग उससे बच के रहना चाहते हैं कि भाई नहीं आए, शुभ काम करने के घड़ी तो नहीं आए। ऐसा ही हमारा ऑब्जर्वर पनौती है, जो चीजें चल रहा हो वहां उसको अगर ऑब्जर्वर बना दोगे यानी उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिए तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, रेस्ट में आ जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो रिलेटिव मोशन का खत्म हो गया। अब अलग अलग प्रोफाइल का क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत सारा प्रोफाइल होता है, कुछ तो अभी बेसिक करेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल का रिलेटिव है, फिर रैन वर्सेज मैन रहता है, बारिश होने वाला रहता है, फिर फ्लैग को चेस कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है, बहुत सारा फॉर्मेट है। पहले 1D तो इतने कंसेप्ट में हो जाएगा, 2D में अलग अलग हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग बस ये देखो एक बार ये सब पैरामीटर निकालना फास्ट कर ले हम लोग, तो बाकी तो पुराना क्वेश्चन ही हो जाएगा। एक बार हम लोग थोड़ा 5 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग कंडीशन में, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा बोल के 2-4-5 ऐसा कुछ क्वेश्चंस लेकर हम लोग ओरल प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको लिखना नहीं है, बस ओरली आंसर देना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अभी हम सिखाए ये सब फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना, माइनस माइनस आपको ध्यान में यही रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में उतना जोर देना है, अपोजिट डायरेक्शन में उतना क्या करना है जी, जोर देना है ना। आइए प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा आंसर देना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, बी, ऑब्जेक्ट ए, चलो ए का वेलोसिटी बताओ, प्लस माइनस साइन कंफर्म है ना, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस है ना। बी का वेलोसिटी क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, +3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जल्दी बताइए, ओरल सोचिए, ओरल ए ऑब्जर्वर कौन है, ए, ए का कितना है 5, तो जोड़ दिए इधर 5, तो क्या आंसर आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 7, क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, इसको उल्टा करके दिए इधर है तो इसमें इधर जोड़ना पड़ेगा, तो 5 + 2 सेम डायरेक्शन सेम वेक्टर आंक बन करके जोड़ेंगे तो 7 मीटर पर सेकेंड, समझ पा रहे हैं जल्दी जल्दी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किसको देखना है, बी को देखना है, और उसमें जोड़ना क्या है, ए का, ए का किधर है इधर 5, इसमें जोड़ेंगे, क्लियर है ना, तो क्या हो गया 7 - 7, क्लियर है ना। तो कुछ बच्चे ये भी याद कर लेते हैं, क्या याद करते हैं ध्यान से देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं माइनस, देखो ना माइनस ही तो आया, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं प्लस, क्या बात समझ पा रहे हैं, हम लोग क्या याद करते हैं, इफ बोथ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसमें 1 और 2 को जोड़ देते हैं, जो भी 2 ऑब्जेक्ट हो, क्लियर है ना। और अगर बोथ ऑब्जेक्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन तब रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा अभी मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी के लिए, सही सबके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सही है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2 का निकालना है तो 1 और +2 को जोड़ दोगे है ना, एक्सेलेरेशन निकालना है तो 1 + 2 को जोड़ दोगे, साइन कन्वेंशन छोड़ देना है अगर छोड़ दो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी इसमें करना है तो हम माइनस करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ज्यादा में कम को माइनस करेंगे और साइन किसका कैरी करेगा, ज्यादा वाले का, अगर यहाँ पर v1 ज्यादा होगा v2 ज्यादा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस में आएगा, अगर v1 मान लो कम है और v2 ज्यादा है तो रिलेटिव वेलोसिटी किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं, पर सबसे आसान है 1 सेकेंड लगेगा, अपोजिट जोड़ दो, उसमें कोई गलती होने का चांसेस नहीं है क्योंकि वो बेसिकली फॉर्मूला ही है, ये जो आप कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वी ए माइनस वी बी ही तो कर रहे हैं, ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है, तो इसमें कैसे गलती हो, इसमें गलती होने का चांस है पर इसमें कभी भी गलती होने का चांस नहीं है, क्लियर है। और भी 1-2 प्रैक्टिस करेंगे हम लोग है ना, थोड़ा कई बार ये भी आता है, एक बॉल नीचे से फेंका, एक बॉल ऊपर से फेंका, उस केस में
अच्छा माइनस में जो आंसर आता है उसका मतलब क्या है, जरा बताओ। भी वी ए, इसका आंसर है -7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ए ऑब्जर्वर जो है, ए जो है ए, इसको अगर रेस्ट में मानोगे, ये रुका हुआ मानोगे, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा, है ना, कितनी स्पीड से, 7 के स्पीड से। क्लियर है ना, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, इस केस में देखो -3 मीटर, मतलब ये बेचारा अगर इसको देख रहा होगा तो ये आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा, इसको ए को बी कैसे आता हुआ दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन, और 5 के 2 के स्पीड से नहीं दिखेगा, कितनी के स्पीड से दिखेगा, 3 की स्पीड से। समझ पा रहे हैं? तो अगर सामने सामने हो तो वेलोसिटी बढ़ जाता है ना, इसीलिए किसी ब्रिज को कहीं क्रॉस करना है तो, या कहीं किसी को मिलना है, क्या बोलता, तुम भी 2 कदम चलो हम भी 2 कदम चलते हैं, तुरंत मिल जाएंगे। बातें समझ पा रहे हैं? देख रहे हैं सेम है ये, इसी में जो एक्सीडेंट होता है, अगर हेड ऑन कोलिजन हो सामने सामने से तो ज्यादा नुकसान होता है, वही पीछे से कोई गाड़ी आके ठोके तो कम नुकसान होगा आपको, क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगा, मोमेंटम जब पड़ेंगे, ये इस पे क्वेश्चन भी आएगा। पर अभी आप एक जनरल भी कंसेप्ट समझ जाए, 2 टाइप का एक्सीडेंट हो रहा है। कई बार देखते हैं लोग बोलता है कि हम तो धीरे धीरे जा रहे थे फिर भी इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, अरे तुम्हारा एक का स्पीड कम भी था, दूसरे का क्या था, ज्यादा, सामने वाला तेजी से आके ठोक गया, फाइनल रिजल्ट दोनों मिलकर ही आएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो धीरे, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे भी चलोगे तो ठीक है, तो इसीलिए पीछे से कोई धक्का लगे तो एक्सीडेंट का असर कम होता है, सामने सामने एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? ओके, आइए और भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जरा एक दो और प्रैक्टिस कीजिए। मानो ऐसा क्वेश्चन है, ए है बी है, ए इनिशियली रेस्ट में था पर उसके पास एक्सेलेरेशन है सामने की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब फिर से मानो आपको कैलकुलेशन करना है, टाइम निकालना है, पर पहले आपके पास रिलेटिव पैरामीटर तो रेडी होना चाहिए, है ना। चलिए जी, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो क्या करेंगे, आंसर बताओ, ए में क्या जोड़ोगे, बी को जोड़िए, आंसर क्या हो गया, -5 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई बोले वेलोसिटी, देखो है बेचारा रेस्ट में पर इसका वेलोसिटी दिखेगा, क्यों, क्योंकि रुका हुआ है, तो जो चलता हुआ दिखेगा इसको वही चलता हुआ दिखेगा। क्लियर है ना? ठीक है, एक्सेलेरेशन जरा इसका बताओ। मान लो कोई पूछे एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका तो 0 ही है तो प्लस करो माइनस करो कोई अंतर नहीं आएगा, तो यही दिखेगा 2 मीटर पर सेकेंड प्लस में ही, क्योंकि आगे की डायरेक्शन में। जरा देखो सारा आंसर ओरल देना है, बी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या करेंगे, 0 है तो 0 इसमें प्लस करोगे अपोजिट डायरेक्शन में, पर 0 के करने से कुछ नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ ना यू लिखना चाहिए, सब इनिशियल है, एक्सेलेरेशन है तो चेंज भी होगा, ये सब इनिशियल बातें हैं, ठीक है, तो बी की जगह यू लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ये सब यू है इसका, इनिशियल समय में ऐसा दिखेगा, समय के साथ ये वैल्यू बदलेगा क्योंकि एक्सेलेरेशन भी आ गया। अच्छा अगर बोले एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी एक्सेलेरेशन इधर जोड़ेंगे अपोजिट डायरेक्शन में 2, तो ये लिखना पड़ेगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना मेरी बात है? अब बताओ इस यहां पर एक्सेलेरेशन तो प्रेजेंट है दोनों जगह, चाहे इससे कैलकुलेशन करो या इससे कैलकुलेशन करो, तो अब अगर टाइम निकालना है तो क्या तुम ये करोगे टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी करोगे, क्या गलत हो जाएगा, एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। अब अगर टाइम निकालना है तो वो 3 फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वही बस इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, देखना है एक्सेलेरेशन 0 है या नहीं। क्लियर है ना? ओके, एक और प्रैक्टिस कीजिए जरा, आइए थोड़ा वर्टिकल मोशन में, ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका नीचे 2 मीटर पर सेकेंड नीचे से फेंक रहा है 2-5 ऐसा, कई क्वेश्चन आता है कब मिलेगा, कितनी हाइट पर मिलेगा, मिलेगा के लिए वर्ड यूज करेगा कोलाइड करेगा, है ना, कोलिजन करना, मिलना, जो भी टकराना। चलिए जी ए भी नाम दे रहे हैं,
जल्दी बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, प्लस माइनस यहाँ क्लियर है, प्लस किधर ऊपर, माइनस मतलब नीचे। चलो जी, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, नहीं समझ वाला जोड़ लेंगे, बी का वेलोसिटी नीचे फाइव है, इसका निकालना इसमें जोड़ना पड़ेगा, ऊपर फाइव, तो अब कितना हो गया, सेवन मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में, क्लियर है ना। अब रुको, एक्सेलेरेशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी दिया, पर आपको मालूम है दोनों के पास एक्सेलेरेशन है, ट्रू फॉल्स, हेलो, दोनों के पास एक्सेलेरेशन है, ए और बी के पास, सही ना, कितना एक्सेलेरेशन है, टेन जी, क्लियर है ना, अपने सिलेबस में टेन ही है, क्वेश्चन 9.8 से नहीं सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जल्दी बोलो, ध्यान देखो, जैसे जोड़ोगे दोनों में सेम है, आंसर जीरो ही आएगा। सोचो इसका एक्सेलेरेशन किधर है, इसका एक्सेलेरेशन नीचे है जी, और इसका भी एक्सेलेरेशन नीचे है जी, क्लियर है ना। अब मानो ए का निकालना है, ए का, तो ए में इधर नीचे एक्सेलेरेशन था, इसका एक्सेलेरेशन जोड़ोगे ऊपर में जी, तो जी जी क्या होने वाला है, कैंसल, समझ पा रहे, तो एक्सेलेरेशन क्या आने वाला है, जीरो, क्लियर है ना। तो कभी भी वर्टिकल मोशन हो, कोई आर्टिफिशियल एक्सेलेरेशन नहीं दिया हो कि कुछ ऐसा हवा ऐसा ऊपर से ब्लोअर चला रहा है, ऐसा कुछ जनरली नहीं होता है, तो वहां हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन ही बनेगा। देख लो जरा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जल्दी बताओ, ये ऊपर है तो इसमें से किधर जोड़ेंगे, नीचे, टू मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सेवन, पर माइनस साइन के साथ। एक्सेलेरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए वाला एक्सेलेरेशन लेके जाएंगे, ए का एक्सेलेरेशन किधर है, सबका एक्सेलेरेशन नीचे ही रहता है, इसका एक्सेलेरेशन नीचे, देखो एक्सेलेरेशन बी का निकालना है ना, इसका नीचे तो इसका ऊपर की डायरेक्शन जोड़ोगे उल्टा, तो फिर से क्या हो जाने वाला है, जीरो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो वर्टिकल मोशन हमेशा, चाहो तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, वर्टिकल मोशन हमेशा यूनिफॉर्म ही रहेगा, वर्टिकल मोशन में हमेशा एक्सेलेरेशन जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन है वो जीरो ही रहेगा, रिलेटिव एक्सेलेरेशन हमेशा। चलिए, तो आज सारा कंसेप्ट ये सब जल्दी जल्दी हम लोग निकालना भी सीखी गए, घर पे और भी प्रैक्टिस करिएगा, पर ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस, आप अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा क्या एफर्ट करेंगे, ये तो पहले भी इलेवेंथ में सीखे हुए थे, बी 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 माइनस बी ए बी ए माइनस बी बी, अभी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यही करना है कि उसको कैसे ओरल कर लेंगे। कुल मिला के देखिए, एग्जाम में आपको 40-45 सेकेंड में क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है, तो जहां पे पॉसिबल है वहीं तो फास्ट कर सकते हो। अब ये फास्ट करने का मतलब थोड़े दो लाइन को एक लाइन पढ़ो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, कुछ से कुछ हो जाएगा, फास्ट करने का मतलब जहां पे पॉसिबिलिटी है थोड़ा थोड़ा ही पॉसिबिलिटी है, बाकी उससे ज्यादा ट्रिक को याद कर लिए, शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लिए, वो भूल जाओगे, एग्जाम तक याद ही नहीं रहेगा। तो बहुत अननेसेसरी चीजें नहीं हमें याद करना है, पर कुछ चीजें फास्ट कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन करके क्लास खत्म करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो रिलेटिव मोशन में करवाया जाता है, जो बार बार किए, दो ऑब्जेक्ट है मान लो, दो कार है, आप चाहो इसको ना बिना रिलेटिव के भी कंसेप्ट से यूज कर सकते हो, कुछ भी ले लीजिए, दोनों बीच का डिस्टेंस 20 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अगर देखो पीछे वाले को पकड़ना है, ये मान लो ए है ये बी है, तो इसकी स्पीड ओबियस ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो 10 और 6 ले रहे हैं और 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन अपना होगा कि ए बी को कब पकड़ेगा और कहां पे कितनी दूरी जाकर पकड़ेगा, व्हेन एंड वेयर ए एंड विल, व्हेन एंड वेयर ए विल मीट बी, वेयर का मतलब है कितना आगे जाकर चलेगा, तो वहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताते हैं, हालांकि दूसरा तरीका से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम समझ गए, कीवर्ड हमें दिख गया, क्या कीवर्ड दिखा यहाँ पे कुछ क्या कीवर्ड दिखा, कीवर्ड दिखा कि दो ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में, कीवर्ड में लिखे ना व्हेन टू ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो टू ऑब्जेक्ट मूविंग देखे तो हम रिलेटिव कंसेप्ट यूज करेंगे,
पर कोई कसम खा ले कि नहीं भाई हम ना रिलेटिव नहीं, हम ग्राउंड से सॉल्व करेंगे। देखो ग्राउंड फ्रेम में भी हम करा रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम मतलब बिना रिलेटिव की मदद से, बिना रिलेटिव की मदद से, बस समझो। ये क्या बोलेगा, बोलेगा मान लो t इक्वल टू समथिंग पे जाके मिला, तो ये मान लिया लेट एट टी टाइम दे विल मीट, ठीक है, किसी टी टाइम पे मिला, एक्सेलेशन नहीं दिया मतलब एक्सेलेशन क्या है जीरो, एक्सेलेशन नहीं दिया मतलब एक्सेलेशन जीरो है। तो ये देखो ये टी टाइम में ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, जब एक्सेलेशन जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी 10 टाइम टी यानी कि 10 टी डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा टी टाइम में, यहां से करेगा 6 इंटू टी, पर ऑलरेडी 20 मीटर आगे भी है ना, तो अगर दोनों को मिलना है मान लो इसी को ओरिजिन मानते हो, इसी को ओरिजिन मान रहे हो 0.0, ये 60 तो डिस्प्लेसमेंट करेगा टी टाइम में, ये कैसे आया समझ पा रहे ना, वेलोसिटी इनटू टाइम, पर ऑलरेडी 20 मीटर है तो प्लस क्या करना पड़ेगा 20, तभी ना दोनों एक जगह जाकर मिला होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 10t इक्वल टू 60 प्लस 20, समझ पा रहे हैं, इसको इधर लेकर आ जाओ 40 इक्वल टू 20, टी इक्वल टू कितना 5 सेकेंड। तो ये हो गया कि ठीक है अगर ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना है तो ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ठीक है दोनों बॉडी चल रहा है, किसी 2 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड आया, तो 5 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद ये दोनों तो मिलेगा, तो कहीं भी लोगे यहां से मानो सोच रहे हैं तो ये जहां पहुंचेगा, ये जहां पहुंचेगा 1 सेकेंड उल्टा हम लोग ले लिए क्या, देखो ये 60 जाएगा ठीक है, और इसको जाना पड़ेगा, ये जितना जाएगा उससे 20 ये ज्यादा जाएगा ना, उसमें या तो माइनस ले लो, चलो इसी में करेंगे, इसमें माइनस लेना पड़ेगा, तो 60 ये गया और ये जाएगा, इसी में प्लस कर दो, इसी में प्लस कर दो, ये जो है किसी भी टी टाइम में मान लो ठीक है ये इतना गया, ये इतना गया, चलो कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान से समझिए, अब बहुत बच्चों का कंसेप्ट हो जाएगा, मान लो ये 60 ना यहां से यहां तक है, ये है आपका 60 ठीक है, तो इतनी दूरी है 60 और यहां से यहां तक पहुंचा है कितना 10t, समझ पा रहे हैं। अब बताओ 60 और 10t में क्या रिलेशन है, 60 अगर ऐसा नहीं जाना चाहते हैं, 60 और 10t में क्या रिलेशन है, दोनों मिला है यानी दोनों एक जगह पहुंचा है तब ना मिला है जी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, दोनों अगर मिला इसका मतलब दोनों एक जगह पहुंचा है, किसी भी टी टाइम में ये 60 आगे गया होगा और ये कितना गया होगा 10t, यहां से समझ में खुद आ जाएगा किसमें किसको जोड़ना है, किसमें किसको जोड़ोगे जी, 10t शुड बी इक्वल टू कितना 60 प्लस 4, वही आंसर होगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अरे ये 10t जो है वो ये 60 और प्लस इसके बराबर है ना, प्लस 20, क्लियर है ना, यहां से वही कर देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे 40 इक्वल टू 20, तो टी इक्वल टू 5 सेकेंड, क्लियर है ना। पर हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, गलती होने का चांसेस होगा, थोड़ा डिफिकल्ट, अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है तब ठीक है। अच्छा टी इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया तो वेन का आंसर तो आ गया, वेयर का भी आंसर आ गया, बताओ कहां पे जाकर मिलेगा, टी का वैल्यू रख दो, ए जाएगा 50 मीटर आगे, टी का वैल्यू 5 रखो, ए 50 मीटर आगे जाके मिलेगा और ये कितना मीटर आगे जाके मिलेगा 30 मीटर, समझ पा रहे, तो ये 30 मीटर चला वो 50 मीटर चला, तो वेन एंड वेयर का भी आंसर आ गया ना। अब इसी को करते हैं रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट में, तो रिलेटिव मोशन में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोगे ना किसी को, तो मान लो आपका मर्जी आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं, मान लो ए को दिए, तो अगर हम
फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए को मान लिए, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए को माने हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए हमारा ऑब्जर्वर है। क्या करेंगे जी, इसमें सिक्स जो सॉरी टेन है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन टेन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस फोर मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेशन तो है नहीं, माइनस साइन सिर्फ उधर को दिखा रहा है, तो टाइम कैसे निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट ए को बी कितनी दूर दिखेगा, 20 मीटर के दूर, यानी डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया और वेलोसिटी 4, फिर से आ गया 5 सेकेंड। ये माइनस साइन क्यों छोड़ दिए, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, क्लियर है ना। फिर जब 5 सेकेंड हो गया तो अब समझ में आ गया, 5 सेकेंड में ये कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 मीटर, तो 5 सेकेंड में कितना जाएगा, 50 मीटर। वो 6 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना, 6 मीटर, तो 5 सेकेंड में 30 मीटर। ये हो गया वेन, वेयर का आंसर आप कैसे दोगे, ए के लिए बोलेंगे वेलोसिटी 10 है, टाइम है 5, यानी कि 50 मीटर अहेड, 50 मीटर आगे जाकर मिलेगा। और बी के लिए अगर आपको आंसर देना है तो बी का है 6 मीटर, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देख लो कहीं पे दिक्कत ना हो, बहुत आत्मा महान है हमारे क्लास में। वेलोसिटी इनटू टाइम है, कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये क्या लिखेंगे, 30 मीटर अहेड। क्या मेरी बात समझ पाए, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो था रिलेटिव वेलोसिटी का, जो बेसिक पार्ट था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्लियर है ना। हेलो आधा जनता कुछ पता ही नहीं, कुछ पढ़े क्या, पढ़े नहीं पढ़े, दो घंटे क्या कर रहे थे, मेंटली ऐसे सोए हुए थे, क्लियर है। आज जाकर आप ट्राई कीजिएगा वन डी में, वन डी वाले चैप्टर में जाना, काइनामेटिक्स इन वन डी में, और उसमें आज ट्राई करिएगा। बाकी कल मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कल हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। पर आज आप क्या करिएगा, वन डी वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये वाले पार्ट से कभी सॉल्व मत करना, मैंने इसीलिए कीवर्ड बोला, क्वेश्चन देखते के साथ कैसे पहचानेंगे, दो बॉडी मूविंग होगा विथ रिस्पेक्टिव बोलेगा, रिलेटिव बोलेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कुछ चर्चा करेगा, तो अब समझ जाना कि रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करना है, क्लियर है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग करते हैं।